हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप नहीं पहनते हो फिर भी रख रखे हैं, वो निकाल दो। देखो इनके कपड़े कितने हैं, जिनसे देखो कितनी है, कितनी सारी जिंस है, पर ये पहने जा रहे हैं, रिटायर नहीं कर रहे। इसकी जेब खराब हो रही थी एक की, इसकी तो फिर भी ठीक है, एक जो वॉश हुई है उसकी तो बहुत हालत खराब थी। ये वाली जींस भी आपकी खराब हो रखी है, ये वाली, ये देखो यहाँ से ये जा भी रखी है, ये देखो ये इधर वाली साइड में है। क्या नहीं पहनते हो, हटा रहे हो इसे? ये तो यार मेरे को बहुत पसंद थी। ये पहनता हूँ मैं कभी कभार। ये क्या कर रही है तू, पहनेगी? नहीं नहीं, बस सोचो मत, तुम नहीं पहनते। पता है आपने पिछली बार, मैं अगर यहाँ पे लोगों से पूछूं ना, उन्होंने भी नहीं देखा होगा आपको ये 3 सालों में पहने हुए, 4 साल हो जाएंगे सितंबर में, ये भी नहीं देखी होगी, ये भी नहीं देखी होगी, कभी नहीं पहनते आप, दे दो किसी को। रखो यहाँ, रखो यहाँ कैपरी, ये जो आपकी स्लाइम से खराब हुई थी वो तो ये पहन, ये तो आपकी नई वाली है। टी शर्ट्स कौन सी खराब है? ये सारी खराब है। नहीं ये तो ठीक है, ये एक मिनट रुको गुड्डू, ये वाली तो कौन सी खराब है? ये तो खराब है। हाँ जो निपटाने हैं, जो मैं रोज छोड़ देती हूँ कि कल करूंगी, आज करूंगी, परसों करूंगी, शाम में करूंगी, दोपहर में करूंगी, ये कहकर मैं रोज उनको टाल रही हूँ, तो आज मैं अपने वो सारे काम करूंगी, जैसे कुछ कपड़ों पे प्रेस करना है और भी मतलब 2-4 काम है, तो वो सारे काम लेके बैठूंगी। अभी तो मैं थोड़ा सा काम करके फ्री हुई हूँ, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, अभी जो है अभी नहीं करती हूँ, अब देखते हैं ये थोड़ा बैठने के चक्कर में बैठ ही ना रह जाऊँ। मैंने बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, गर्मी है ना छूट जाती है, सर्दियों में तो एक ही बिंदी लगी रहती है, कंघी भी नहीं की है, करूँगी, तेल वगैरह करना है क्योंकि कल देखती हूँ कल सर धो लेंगे, गर्मियों में 2-2, 3-3 दिन में ही सर धोने का मन हो जाता है, तो अभी कुछ नहीं किया है क्योंकि अभी फ्री बैठी हूँ, तो मैंने कभी करूँगी। मैं बना रही हूँ खाना, जबकि 4 बजने वाले हैं, खाना नहीं बना रही हूँ, शाम का नाश्ता बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए चीला, मैंने कहा कुछ अच्छा सा कुछ अलग सा बनाते हैं, तो बेसन का चीला बना रही हूँ, घोल वगैरह मैंने सब बना के रख लिया है, ये इधर, अभी इसमें मसाले नहीं डाले, इसको मैंने फूलने के लिए रख दिया था थोड़ा सा, क्योंकि बेसन का कुछ भी बना रहे हो उसको घोल के रख दो तो अच्छा रहता है। इधर ये तीनों चीज़ें काट ली हैं, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, क्योंकि चीले में ये होना चाहिए। अभी धनिया भी लेती हूँ क्योंकि धनिया आजकल है मेरे पास, तो मैं हर चीज़ में डाल रही हूँ, नहीं होता है तो नहीं डलता है, लेकिन धनिया मुझे अच्छा लगता है, जिस भी चीज़ में सब्जियों में तो डाला ही जाता है, और या जिस इस तरह की चीज़ों में डाला जाता है तो उसमें भी। तो चलो बनाती हूँ, गैस भी मैंने ऑन करी हुई है तवे की, मैंने कहा गर्म हो जाए हल्की, मतलब कम आँच भी किया हुआ है अभी, तो शुरू करते हैं बनाना चीला। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और टाइम क्या हो रहा है, 4 बज चुके हैं, मैंने सिर्फ चाय के साथ बटर ब्रेड करा था वो खाया हुआ है बस, उसके अलावा कुछ नहीं खाया हुआ है। तो अभी जो है, तो अभी मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक मिर्च वगैरह सब, गरम मसाला भी डाला है हल्का सा, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा फेंट लूँगी, थोड़ा सा मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, इसको हल्का सा पतला भी करूँगी, अभी पहले ये डालूँगी उसके बाद देखूँगी।
मैं जो है बच्चों को गरम गरम एक एक चीला बनाकर खिला रही हूँ, और यहाँ पे ना तन मैंने बदमाशी की लाइट बंद कर दी, तो बच्चों को चीले पसंद भी आ रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। तो कभी कभी जब बनाते हुए चीज़ बनती भी अच्छी है ना, तो बनाते हुए भी जी लगता है। हाँ, अगर चीज़ बिगड़ जाए, कई बार होता है चीला टूट जाता है, कुछ होता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चीले बने। तो रात के 8 बजने वाले हैं और हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। हम जा रहे हैं खुशी को कुछ दिलाने के लिए, क्योंकि खुशी का आ गया है जाने का टाइम। तन्मय गुड्डू बहुत ज्यादा दुखी है। तन्मय तो सो रहा था जब पता चला हमें। आज तो हमें वैसे भी जाना ही था, आज तो हम वैसे ही बात कर रहे थे कि चलो चलते हैं, क्योंकि एकदम से कुछ समझ में नहीं आता कि एक दो दिन लगा देंगे, फिर मार्केट में देख लेते हैं, कुछ जो आज समझ आएगा आज ले आएंगे, अगर कुछ नहीं समझ आया तो फिर कल दूसरी जगह देख लेंगे। लेकिन अब इमरजेंसी वाली बात हो गई है। वैसे कल तो नहीं जा रही है वो, परसों परले दिन में ही होगा, क्योंकि कल तो हमने बोला कि एक दिन और दे दो, क्योंकि मतलब थोड़ा सा और रह लेगा बच्चा, गुड्डू तन्मय जो है खुश हो जाएंगे। गुड्डू तन्मय का तो बस चले, अभी वो उसको भेजे ही ना, लेकिन वो है कि चलो ठीक है, एक दिन तो कल भी देख लेंगे कपड़े, और अभी भी देखते हैं अगर जो है मार्केट खुली रही, क्योंकि विकास नगर तो बहुत जल्दी बंद हो जाता है। विपिन बता रहे थे अभी कुछ दुकानें बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो इसीलिए हम जो है देहरादून जा रहे हैं, प्रेम नगर तक नहीं, देहरादून जाएंगे, पूरा देहरादून तक, तो वहां देख लेंगे कुछ समझ आया तो अच्छे से। इधर की साइड जिस दुकान से चाहिए वो पढ़नी शुरू हो जाती है टाइम से, दूसरा फिर जो है ऑप्शन हो जाएगा। देहरादून में तो काफी सारी दुकानें होंगी और इतनी जल्दी बंद भी नहीं होता होगा। और आज कोई बाहर खाना खाने का प्लान नहीं था, लेकिन आज भी फिर वही है कि कुछ ना कुछ बाहर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि जब 8 बजे निकल रहे हैं और अचानक से प्रोग्राम बना के चलो चलते हैं देहरादून, तो फिर बाहर ही होगा। यहाँ कहाँ कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अभी हम पहुंच गए हैं सेलाकुई, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, नहीं था इस टाइम तो, क्योंकि यहाँ कंपनी वगैरह भी है। तो यहाँ से जो ये सामने सारा आप देख रहे हैं लाइट्स लाइट, ये सारा का सारा मसूरी है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं रश्मि आपके घर से मसूरी कितना दूर है, तो हमारे घर से होगा 2 घंटे और देहरादून से 1 घंटे के करीब। तो अभी हम शॉप पे पहुँच चुके हैं और अभी हम प्रॉपर देहरादून में हैं, क्योंकि मेरे पास ना कमेंट आते हैं रश्मि आप देहरादून में कहाँ से हो, तो मैं प्रॉपर देहरादून से नहीं हूँ, मैं देहरादून के एक गांव से हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपने गांव का नाम बता दो, तो देखो ऐसे ना नाम पूरा एड्रेस देना ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं और वो कमेंट बॉक्स में बोलते भी हैं। जैसे कोई एड्रेस मांगता है तो वो रिप्लाई कर देते हैं कि यार ऐसे एड्रेस देना ठीक नहीं है, तो इस वजह से। बाकी अगर आप यहाँ आते हैं आप मुझे मेल वगैरह कर दीजिए, लेकिन हाँ देखिए कम से कम 1-2 दिन पहले तो बताइए। आप बाई चांस मेरे शहर में आकर मुझे बता रहे हैं कि रश्मि हम यहाँ पर हैं और आपके घर आ रहे हैं, तो क्या पता मैं उस टाइम घर पर हूँ ना हूँ, आप मुझे 2 दिन पहले बताओ कि रश्मि परसों हम आ रहे हैं और आपसे मिलेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी बता पाऊँगी, और चाहे मेरा कुछ भी काम हो तो वो टल जाएगा काम कि नहीं पहले वो आ रहे हैं उनसे मिलते हैं। तो अभी जो है हमने कपड़े वगैरह देखे, जो लेने थे जो पसंद आए वो ले लिए हैं, और यहाँ पर जो है खुशी को मैं शूज़ वगैरह भी दिला रही थी, लेकिन शूज़ का क्या हुआ कि साइज़ का प्रॉब्लम हो गया, साइज़ उसको जो है थोड़ा सा छोटा आ रहा था, उसके पैर भिंच रहे थे आगे से, तो फिर जो है मैंने कहा चलो भाई आगे बड़ा साइज़ देखते हैं, लेकिन उनके पास वो उससे बड़ा साइज़ था नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं अभी जो है इससे बड़ा साइज़ नहीं अवेलेबल है, तो फिर शूज़ का तो कैंसिल ही हो गया। हमने सोचा चलो बाहर देख लेंगे, और भी तो शॉप है, लेकिन यहाँ पर भी जो है मार्केट बंद होने लग रही थी, मतलब मेरे को बड़ी हैरानी हुई यार, पूरा शहर है देहरादून और अभी जो है यहाँ पे मार्केट इतनी जल्दी बंद हो रही है, 9 बजे ही जब हम मार्केट में उतरे थे उस टाइम जो है लगभग दुकानें 50% बंद हो चुकी थी, 50% खुली थी और वो भी बढ़ने लग रही थी। तो अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी देहरादून का घंटा घर, जो कि है क्लॉक टावर। आप लोग में से जो लोग यहाँ से हैं वो लोग जानते होंगे, जो लोग बाहर से हैं उन लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि जो लोग लोकल से हैं वो तो रोज़ ही देखते होंगे। ये क्या होता है ना, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं अपने शहर की इस तरीके से दिखानी भी और देखनी भी। तो ये है, तो अभी खाना खाया है और कपड़े भी ले लिए हैं, ज़्यादा समझ में तो नहीं आए, और दुकानें भी लगभग यहाँ पे भी बंद ही हो रही थी उस टाइम पे। पीछे बैठो, पीछे 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 दीदी बैठी है ना पीछे, दोनों तो बत्ती में जाए कुछ। विपिन इसको ना बहुत डांट खाई है पता है, इतना डांट खाने के बावजूद भी
तो अभी घर चलते हैं, बच्चों को देखते हैं, आइसक्रीम वगैरह का मन होगा तो आइसक्रीम खिलाएंगे बच्चों को। रसमलाई मैं कह रही थी ना, रसमलाई। अभी जो है ट्रैफिक कम हो गया है बहुत, आगे तो मुझे लग रहा है ना, इधर की साइड तो कम है, आगे भी कम हो जाएगा धीरे धीरे, अभी इतना नहीं रहेगा क्योंकि अभी जो है लगभग क्या टाइम हो रहा है, 10:21। हाँ वही 10:30 जाग रही है, मैं जाग रही हूँ, मैंने बोल भी दिया ना, नहीं मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब तो सो गए, मासी जा रही है बस, आइसक्रीम खाई जा रही है, ओह रसमलाई सॉरी, ये खा रहे हैं और खुशी खा रही है, मैंने भी ली, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने कहा चलो खा लेते हैं, मैं नहीं कर रही, आइसक्रीम का मन कर रहा है इनका, मैं आइसक्रीम दिला के आ रही हूँ, देख के आगे देख के, गुड्डू को तन्मय को आइसक्रीम खानी है, आजकल हमारा बहुत हो रहा है बाहर का खाना खाना खाना, चलो ले लो, मैं चॉकलेट लूंगा, ठीक है ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम लेनी है ये इसके साथ, चॉकलेट कौन कौन लेनी है, तो कौन सी लेगी, वनीला, स्ट्रॉबेरी में नहीं है, हाँ अंकल है, कौन सी ले रहे हो, चॉकलेट सिर्फ डालने, वाटर मिला है, अभी हम लोग चल दिए हैं घर की तरफ आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद, और जैसे कि अभी ट्रैफिक नहीं है रोड पे ज़्यादा तो इस टाइम कम टाइम लगता है, 40 से 45 मिनट लगेंगे घर जाने में, फुल ट्रैफिक होता है तो 1 घंटा लगा कर चलो। अब है ये अगला दिन मतलब कि शुक्रवार का, और दोपहर का टाइम है, खाना पीना खाया जा रहा है, बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट ही नहीं है, इन्वर्टर बोल चुका है, तो बाहर जो है अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है तो मौसम ठीक हो रहा है। रात का टाइम और खाना पीना हम सब लोगों का हो चुका है, मासी और भी आए हुए हैं इस टाइम पे, मासी और अंकल जी, क्योंकि कल वो जा रहे हैं वापस देहरादून तो इस वजह से हमने बोला था आ जाना खुशी से भी मिल लेना, तो ये लेकर आए थे पेस्ट्री वगैरह तो वो खाएंगे। और ये है अब अगला दिन, यहाँ पर तन्मय जो है कभी रो रहा है कभी खुशी को बोल रहा है मत जाओ, तो वो थोड़ा सा उदास हो रहा है क्योंकि खुशी जा रही है अभी, और ये आज का दिन है मतलब कि शनिवार का। दन में वो जाने के लिए ही तो नहा रही है, ठीक है आने का होता है ना तो दिल बड़ा खुश होता है ना कि हाँ कोई आ रहा है आ रहा है, एक अलग ही उस दिन खुशी होती है, और जब कोई जाता है ना तो अजीब सा लगता है यार आज वो जा रहा है बंदा, तो खुशी आई पता भी नहीं चला और चली भी गई, ऐसे लग रहा है जैसे अभी तो आई थी और अभी चली गई। तन्मय साथ में गया है, जब गए थे लेने तब गुड्डू भी गई थी, तन्मय भी गया था, विपिन गए थे, आज से विपिन और तन्मय गए हैं, गुड्डू नहीं गई, और मेरे को भी जाना था क्योंकि वो बोल रही थी गीले ही हो रहे सारे, टीन के नीचे है ना बारिश में तो नहीं है, तो गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मी उस दिन तो खुशी दीदी को लेके आना था तो इसलिए वो चली गई थी कि आज नहीं, तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं फिर मैं झाड़ू वाड़ू स्टार्ट करूँगी, 10 बज रहे हैं, किचन तो पूरा हो चुका है, घर भी पूरा समेट दिया था, बस सिर्फ जो है झाड़ू पोछा रह गया है,
तो अभी मैं और गुड्डू हैं। कैसा लग रहा है ना, खाली खाली याद आएगी दीदी की? सर में तो बहुत ही ज़्यादा वो खुशी से अटैच हो गया था उस, वो भी नहीं जा रहा था पहले कि मैं नहीं जाऊँगा छोड़ने, फिर एकदम लास्ट टाइम पे वो कह रहा कि मैं जाऊँगा खुशी दीदी को छोड़ने, वो कह रहा रोक लो। तो चलो आज ही खुशी गई है और आज का ही ये क्लिप है और आज ही ये वीडियो जाएगा। वीडियो तो ये कल और परसों दो दिन का है और आज तीसरा दिन भी इसमें शामिल हो गया है। तो अभी जो है एंड करते हैं इस वीडियो का, आज शनिवार है, शनिवार के 10 बजने वाले हैं। तो चलो जी, बाय बाय।